अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपने स्टार्ट की क्लिप से देख लिया होगा, आज का व्लॉग बड़ा ही मज़े का होने वाला है। और हम गए थे बफे पे और उसके सारा मेन्यू आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत जिस तरीके का खाना था वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी सबसे पहले आ गए थे हम मैकडोनल्ड यहाँ से संडेज़ लेने, क्योंकि बफ़े के बाद फिर कुछ और खाने को दिल नहीं करता, इसलिए मैंने पहले जो है संडेज़ लिए थे। बच्चों का भी बहुत दिल था आइसक्रीम का और मेरा भी, क्योंकि इसकी मुझे तो बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने पहले ये लिए थे। तो उसके बाद जो है फिर हम बाद में फिर जाएंगे बफ़े खाने के लिए और उसको इन्जॉय करेंगे। तो खाली पेट जो है ना फिर ये ज़्यादा मज़े का लगता है। तो खैर ये ले लिया था ड्राइव थ्रू से और अंदर नहीं गए थे, हालांकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे कि हमने जो है अंदर प्ले एरिया में जाना है। तो हमने खैर ये पहले इधर गाड़ी में ही जो है ना इसको एंजॉय कर लिया था। तो उसके बाद फिर हम गए थे डेजर्ट पाम होटल पे, जिसका डिनर का बफे जो है वो हमने खाना था और 7 से लेकर इनका जो है 10 बजे तक टाइम होता है। तो मैं इसकी पहले भी डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अब जो है इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया है कि उसमें से मटन और फ़िश को अलग कर लिया। अगर आप वो इंक्लूड कराते हैं तो आपका 2200 बनेगा और अगर आप फ़िश मटन नहीं लेते तो आपका तकरीबन 1500 लग जाता है विद टैक्स। तो अभी एंट्रेंस में इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया, ये थोड़ा सा बच्चों का एक बना दिया है फ़ोटोशूट का एरिया। तो ये बेटी की मैं पिक्चर्स ले रही थी, ये इस तरीके से थोड़ा सा जंगल का थोड़ा सा बना दिया, साथ में बेटे की भी मैंने पिक्चर ली। और उसके साथ एक और इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि लाइव एक एरिया बना दिया है जहाँ पर आप कुछ भी अपनी पसंद का जो है ना लाइव उसी टाइम फ्राई करवा सकते हैं गरम गरम। तो लाइव में दिखाती हूँ आपको, उसमें फ्राइज थे, ड्रम स्टिक्स और चीज़ बॉल्स थी, उसके अलावा विंग्स थी और ये पाइनएप्पल और एप्पल के फ्रिटर्स थे और फ्रेंच टोस्ट थे, साथ में वाइट सॉस पास्ता भी थी। अच्छा जी, मेन आपको दिखाती हूँ, ये बारबेक्यू में थी वैरायटी। आई थिंक ये गोला कबाब थे या सीख कबाब थे, उनको हाफ ऑफ किया हुआ था। साथ में एक और ये दो तरह की बारबेक्यू बोटी थी, ये भी ओवरऑल बहुत मज़े का था खाना इनका। तो जो जो मुझे अच्छा लगा वो तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मलाई बोटी है कि टिक्का बोटी। साथ में ये इनके थे चप्पल कबाब और साथ में उसके साथ इन्होंने नूडल्स रखे हुए थे या स्पेगेटी थी। तो चप्पल कबाब में तो अच्छी खासी जो है ना मिर्चें थी, वो मैंने बड़ी मुश्किल से फिनिश किया। खैर नूडल्स जो हैं वो बच्चों ने फिनिश किए थे, उनको पसंद है। तो सबसे पहले जी आई हूँ मैं बारबेक्यू, उसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको किस तरह का है। तो बहुत सॉफ्ट थे चप्पल कबाब लेकिन थोड़े से स्पाइसी थे, मुझे थोड़े से स्पाइसी लगे, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको फिनिश किया। बाकी जो इनका बारबेक्यू था वो बहुत अच्छा बना हुआ था, वो मुझे पसंद आया। और सबसे पहले जो है मैं बारबेक्यू लेती होती हूँ ताकि वो, क्योंकि वो खाली पेट है वो मज़े का लगता है। तो ये बारबेक्यू के बाद जो है फिर बाकी जो है इनका आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारा कुछ ट्राई किया था, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये इनका मैंने बच्चों के लिए फ्राइज़ जो है और चीज़ बॉल, उसका मैंने इनको ऑर्डर दिया था जब तक वो फ्राई हो रहे थे। तो साथ साथ ही ताज़ा फ्राई करके आपकी टेबल पे वो दे जाते हैं जो भी आपने कहना हो। साथ में इनको वाइट सॉस पास्ता का भी कहा था, मशरूम पास्ता, वो भी पक रहा था। मैन्यू दिखाती हूँ आपको, ये चाइनीज़ में फ्राइड राइस थे और साथ में दो चाइनीज़ डिशेज थी, एक रेड सॉस के साथ और एक वैसे था। ये दोनों ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, बिल्कुल कोई फ्लेवर नहीं था इस दफ़ा तो चाइनीज़ में, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सैलड में दिखाती हूँ, सैलड में नई वैरायटी इन्होंने तो ये फ़िश इटालियन सैलड स्टार्ट किया, साथ में गोलगप्पों के साथ ही एक दो चार और सैलड थे वो इन्होंने ऐड किए। तो ये हमारे ये प्लेटर आ गया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चे जो हैं जब तक अपने केक्स पर आ चुके थे और मैं अपने लिए ये बना कर आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर चीज़ तो नहीं थी, इसके अंदर वाइट सॉस का जो है ना वो कुछ मिक्सचर था और उसको अंदर डाल के आई थिंक ब्रेड से या इस तरह से कोट करके तो उसको फ्राई किया हुआ था। बहुत ज़्यादा गर्म था क्योंकि उसी टाइम ही लेकर आए थे, तो बस एवरेज टेस्ट था इसका, कोई ख़ास मुझे मज़े का नहीं लगा। हाँ इनके चिकन विंग्स बहुत अच्छे थे, वो हमने एंड में ऑर्डर किए थे। तो ये सैलड्स बहुत मज़े के थे, दोनों सैलड वो मैं डाल के लेकर आई थी। और इसके अलावा ये बारबेक्यू ये जो चाइनीज़ के साथ ग्रेवी थी ना, ये मुझे कुछ खास मज़े की नहीं लगी। अब मैं डाल के लाई थी तो बस उसको फिनिश करना था क्योंकि टेस्ट कर रही थी मैं किस तरीके का ये, बाकी जो है ये एवरेज ही था। तो उसके बाद जो है फिर मैं जो हमारे देसी खाने हैं वो उसके बाद मैं डाल के लाऊंगी, जिसमें इनकी चिकन हांडी थी और वाइट हांडी थी और चिकन कढ़ाई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सोई डिशेज़ में बहुत वैरायटी इन्होंने रख दी है बेकरी आइटम्स की, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा रख दी है डिफरेंट डिफरेंट किस्म की। साथ में इन्होंने ये सैंडविचेज़ और चिकन शवरमा भी ऐड किया था, ये भी बहुत मज़े की दोनों चीज़ें थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये है चिकन कढ़ाई और एक है वाइट हांडी।
साथ में थोड़ा सा नान ले आई थी और एक शवरमा और ये भी लेकर आई थी। तब तक बच्चे जो हैं अपने ब्राउनीज़ इंजॉय कर रहे थे, और स्वीट डिशेज़ जो है ना बच्चे फिर भी शौक से खाते हैं क्योंकि उनको बाकी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। तो मैं ये सैंडविच ट्राई करी थी, अच्छा बना हुआ था, और साथ में शवरमा जो है ना रोल इनका वो बहुत मज़े का था, पीटा ब्रेड के अंदर उन्होंने बनाया था तो वो बहुत अच्छा बना हुआ था, वो भी मुझे अच्छा लगा। स्वीट डिशेज़ का आपको दिखाती हैं, देखिए ये मुख्तलिफ सॉसेस के साथ ना इन्होंने केक के आइटम्स बनाए हुए थे, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, और ये डिफरेंट ब्राउनीज़ थी, बकलावा था, दो तो तीन नई जो है उन्होंने मिठाइयाँ ऐड की थी जिसमें ये चॉकलेट एक्लेयर वाले थे और वाइट सॉस वाले क्रीम पफ थे, साथ में ये कैरेमल पुडिंग थी और डोनट्स वगैरह, और साथ में एक इब्ने हाशम एक थी मिठाई टाइप की थी, और एक ये भी थी। खैर सारी जो थी ना बेकरी आइटम्स उन्होंने ज़्यादा कर दी हैं, और ये बसबूसा था, अरेबिक बसबूसा, ये एवरेज था, कोई इसका ख़ास टेस्ट नहीं था। साथ में टार्ट इन्होंने दो तरह के रखे हुए थे, मतलब बेकरी आइटम ज़्यादा कर दिए हैं, बाकी इन्होंने डिशेज़ जो है ना वो कम कर दी। और ये थे एक कैरेमल कॉफ़ी जो है कपकेक्स ने ये पेस्ट्रीज थी, ये थी, ये बहुत ही बेकार टेस्ट था। साथ में इन्होंने गुलाब जामुन और उसके अलावा इब्ने उम्मे अली जो है वो बनाई थी। तो ये मैं इसमें ज़रा अपनी प्लेट बना रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ जो जो आइटम है। तो ये दो तीन चीज़ें इसमें से मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल उसका फ्लेवर नहीं था, बाकी जो है स्वीट डिशेज़ ओवरऑल अच्छी थी इनकी। तो आप देखें, इंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें। तो ये सारी स्वीट डिशेज़ अब मैं ले आई थी और मैं टेस्ट कर रही हूँ इसको वन बाय वन। एक दो चीज़ें तो अच्छी, और एक जो इब्ने हाशिम था वो तो इंतहाई गंदा टेस्ट था, उसको मैंने जैसे बाइट लिया और मैंने वैसे ही मुंह से निकाल दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाकी उसके बाद ये कि गलती ये हुई कि सारा मीठा मैंने इकट्ठे ले लिया और उसके बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उसको खाने को, और बड़ी ही मुश्किल से मैंने इसको फिनिश किया। आपको चाहिए कि आप साथ में कुछ थोड़ा एक नमकीन खाएं फिर एक स्वीट डिश की एक चीज़ लें, उसे ये क्या है कि बैलेंस हो जाता है, वरना फ्लेवर जो है ना मौका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, किसी चीज़ का सही तरीके से फ्लेवर नहीं आता। तो स्वीट डिश को मैं इतना इन्जॉय नहीं कर सकी जितना मैंने करना था। ये जो अब मैं खा रही हूँ ना इब्ने हाशम, ये भी कोई अरेबिक डिश थी, इतनी सख्त थी और बिल्कुल फ्लेवरलेस थी, बहुत ही गंदी थी, अजीब दवाइयों का टेस्ट था, मैंने तो उसको फ़ौरन ही निकाल दिया, बहुत ही मतलब बेकार थी। बाकी ओवरऑल स्वीट डिशेज़ इनकी अच्छी थी, वो मुझे पसंद आई। तो रेट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनकी वैरायटी भी मैंने फुल दिखा दी है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ सारा कुछ। सूप भी था इनके साथ, गर्मी थी तो मैंने तो सूप नहीं लिया, और साथ में मैं ये चॉकलेट सॉसेज वाले डिफरेंट केक्स भी ले आई थी, ब्लूबेरी थे, चॉकलेट वाले थे, हनी थे, और साथ में ब्राउनी है, तो वो भी मैं ले आई थी टेस्ट करने के लिए। तो बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और इसके साथ अगर आइसक्रीम होती तो कॉम्प्लीमेंट करती, लेकिन वो आइसक्रीम जो थी इनके बफे में वो शामिल नहीं थी, जूसेस और आइसक्रीम वो शामिल नहीं थे, और बाकी सारा कुछ था। तो इसके बाद एंड में हमने विंग्स मंगवाई थी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, और एंड में फिर जी हम बाहर आ गए, फिर हमने सोडा वाटर लिया, वो तो लाजमी बनता है इतना खाने के बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।